काफी दर्दनाक दुर्घटना चौपारण के दनुआ घाटी में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें दो लोगों की मौत हो चुकी है। अभी हम लोग बरही पहुंचे हुए, जहां बरही अस्पताल में उन लोगों का पोस्टमार्टम हो रहा है। एक साथ जुड़े हैं जो वहां थे, कैसे जो मृतक लोगों को हॉस्पिटल लेकर आए हैं, वो एम्बुलेंस चालक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उसी से जानेंगे कि घटना कैसे हुई है। सबसे पहले बताइए घटना कैसे हुई और कब हुई। घटना 1 बजे का है और थाना से मेरे पास कॉल गया कि दनुआ घाटी में एक्सीडेंट हुआ है। लगभग 5 गाड़ी एक साथ एक्सीडेंट हुआ, 3 गाड़ी और 2 गाड़ी को देखने के लिए गाड़ी को खड़ा करके आए और तब तक एक गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ और सबको 2 आदमी को रौंदते हुए खाई में जाके गिर गया। फिर आपदा मित्र एम्बुलेंस हमारा गाड़ी गया। गाड़ी जाने के बाद फिर मैंने बड़ा 3-4 घंटा परिश्रम किए, फिर डेड बॉडी को निकाले, फिर वहाँ से रिक्वेस्ट भरवाए, फिर पोस्टमार्टम के लिए हम बरही आए हुए। तो कितने गाड़ियाँ आपस में टकराई? आप बोल रहे हैं वहाँ ब्रेक फेल भी हो गया, देखने के लिए गए वहाँ तो 5 गाड़ी हुई सर। 3 गाड़ी पहले हो चुकी थी और जैसे एक मोटरसाइकिल से जो हुआ है, मोटरसाइकिल से उतरने वाला था गाड़ी को बचाव करने के लिए, कोई आदमी फंसा ना हो, वो गाड़ी से उतर भी नहीं पाया। तब तक जो एक टेलर है वो टेलर आया और ये सबको रौंदते हुए खाई में जा गिरा। अब बोल रहे थे 3.5 घंटा हमें निकालने में लगा, क्या कुछ हुआ था? सर गाड़ी का जो टायर होता है वो टायर ही चढ़ गया था। अच्छा। जो टायर के अंदर में फंसा हुआ था और गाड़ी में सरिया लोड था जो किरान भी नहीं खींच पा रहा था, तो हम लोग बड़ा मट्टी को खोदते खोदते इसे निकाले हैं। जी तो जो लोगों का मृत्यु हुआ कहाँ से कुछ पता चल पाया? हाँ, एक तिलैया का सरदार जी हैं, वो बैग से होटल जा रहे थे, होटल जा रहे थे वो होटल में रहते हैं। और एक सर राजस्थान अजमेर का है, जो वो भी गाड़ी खड़ा करके बचाव के लिए आया था कि हम देख कोई आदमी अगर फंसा होगा तो उसे बचाएंगे। तब तक ये भी जो गाड़ी आया टेलर, इसे भी मारते हुए रौंदते हुए खाई में जा गिरा सर। तो देख सकते हैं काफी दर्दनाक घटना हुई है चौपारण के घाटी में, इसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। एक तिलैया का बताया जा रहा है और दूसरा राजस्थान का भी, बरही अस्पताल में आप लोग हैं। 2 आदमी गाड़ी में फंसे हुए थे, जो 5 गाड़ी हुआ उसमें 2 गाड़ी में फंसे हुए थे 2 व्यक्ति, जिनका एक व्यक्ति का कान कट गया और 2 पैर जो है बिल्कुल डैमेज हो चुका है, टूट के मतलब कट के समझिए साइड हो गया है। अच्छा, उसको बेहतर इलाज के लिए सीएससी अस्पताल चौपारण से हजारीबाग रेफर किया गया सर। रेफर कर दिया, प्रशासन पहुंची थी वहाँ? प्रशासन पहुंच गई थी। तो देख सकते हैं काफी दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है घाटी में। चलिए एक परिजन का जिनका पोस्टमार्टम हो रहा है कि परिजन से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। एक परिजन यहीं बैठे हुए हैं जिनका अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग झुमरी तिलैया सोनापट्टी स्टेशन रोड के पास रहते हैं। कैसे सड़क दुर्घटना हुई है और आपके जो यहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है कौन? वो मेरा बेटा। बेटा है? कैसे सड़क दुर्घटना है? क्या हुआ कि 1-1.5 घंटा पहले हमको छोड़ा ढाब धाम में, स्टाफ को लेके गया और वहाँ गाड़ी खड़ा करके, जैसे 4-5 गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जैसे गाड़ी अपना खड़ा करके उतरने ही वाला था, उधर से एक राजस्थान नंबर की गाड़ी आई और उनका धक्का देकर उनकी गाड़ी के चक्का के नीचे आ गया। इतना चक्का के नीचे आया कि 2 घंटा तक निकालने में लग गया। कैसे पता चला? हम लोग को बगल में मेरे सब दोस्त जान पहचान के हैं, उन्होंने मुझे फोन किया कि आपका बेटा का एक्सीडेंट कर गया और डेथ कर गया। क्या नाम था उनका? जसविंदर सिंह अरोड़ा। जसविंदर सिंह, कितना उम्र होगा उनका? उम्र 83 का जन्म था। अच्छा अच्छा, ये 42 साल का था। कहाँ होटल चल रहा था? बनवा बनवा चौराहा बॉर्डर के पास, चौपारण में ही, चौपारण के आगे हथिया बाबा मंदिर के पास। क्या चाहते हैं आप सरकार से, जिस तरह का एक्सीडेंट की घटना हुई है? जो सरकार मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ, मुआवजा मिलना चाहिए। हम लोग सड़क जाम नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। हम लोग जैसे खबर हुआ तो पता चला कि बरही में आज पहला पोस्टमार्टम होगा। हम बोले सर यदि हजारीबाग जाएंगे तो कल डेथ बॉडी मिलेगा, आज या पोस्टमार्टम कर दीजिए। और मैंने ये भी कहा कि इसका कोई भी शरीर का अंग किसी के काम आ जाए, अंग दान करने के लिए, आंख हो या इनका बॉडी हो, कोई भी शरीर का अंग इनका दान नाम करने के लिए। सकते हैं ये बरही अनुमंडलीय अस्पताल है जहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा है। तिलैया के एक व्यक्ति हैं, लगभग 42 साल उम्र थी उनकी, जो
वहीं चौपारण में ही इनका होटल चलता था। आने के क्रम में बाइक से आ रहे थे तो जो अनियंत्रित ट्रक थे उन टक्कर होने की वजह से जो एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 2-3 लोग घायल भी हैं। तो यहाँ इनका पोस्टमार्टम चल रहा था और उनके जो गार्जियन से भी बात कर रहे थे, यहाँ तक कि उनका बड़प्पन देखिए कि वो चाह रहे थे कि इनका अंग दान भी हो जाए और जो इनका दान हो, जो और भी कुछ बचा हुआ हो, वो किसी और के काम आ जाए। तो ये काफ़ी अच्छी पहल थी। तो ये जो चौपारण के घाटी में ये दर्दनाक सड़क दुर्घटना आज हुई थी। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना जोहार।